नमस्कार, नमस्ते, राम राम। वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं रजत शर्मा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। और आज का विचार दोस्तों, चेक रिपब्लिक से इतनी बढ़िया न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कान खोल के सुन लेना, पूरी वीडियो देख लेना, तभी कोई आपको आगे कोई कार्य आपका सिद्ध होगा, तभी आपका कोई प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में चल रहे कि मुझे इस कंट्री के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, काफी सारी क्वेरीज लोगों की आ रही है, डाउट जिनके क्लियर नहीं हो रहे, वो लोग अप्लाई कर देना। मैं बैठा हूँ गाइडेंस देने के लिए और मैं अपडेट्स लाता हूँ क्लियर पिक्चर पे। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि हम लोग काम करते हैं क्लियर पिक्चर पे, हमारे पास जो डिटेल्स आती है वो एक हम तथ्यों पे बात करते हैं, प्रूफ पे बात करते हैं। रिक्वेस्ट लोगों की आ रही है, जिसके बाद स्टडी करने के बाद मैं हर एक कंट्री की GDP स्टडी करता हूँ, उसके बारे में चेक करता हूँ, वेरीफाई क्रॉस चेक करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए ये न्यूज लेके आता हूँ। क्योंकि जब भी एक हर एक एंकर का या कोई भी व्यक्ति जो आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है तो पहले उसको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। ऐसे एजेंट बैठे हैं जिनको खुद नहीं पता प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है मार्केट में, आगे से आप पासवर्ड पकड़ते हैं। पंजाब के ऐसे सारे एजेंट बैठे हैं, मैं किसी की कंपनी का नाम नहीं ले रहा, टारगेट नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे एजेंट बैठे हैं जो अपने अपने छोटे छोटे गाँव में बैठे हैं, एजेंट बने हुए हैं, पासवर्ड पकड़ेंगे, आगे ले जाके किसी कंपनी को दे देंगे और किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि मेरी सीधी सेटिंग है उस कंपनी में और पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ऐसे ठगों से, ऐसे ठगों का बायकॉट करो, बचो, अपना पैसा मत खराब करो। डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सीधी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो। पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार, बार बार ये चीज को मत दोहराओ कि सर आप अप्लाई कर दो, यार मैं एजेंट नहीं हूं, मैं हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूं आप लोगों से, अगर मुझे भी एजेंट बनाना तो फिर मैं भी ऑफिस खोल के बैठ जाता हूँ, लाओ 5-5 लाख रुपए मुझे भी देना शुरू कर दो। तो भैया मोह माया से दूरी रखो मुझे, और मुझे इन कामों में पढ़ना भी नहीं है, भगवान की कृपा है, बढ़िया चल रहा है हमारा सारा कुछ, हमारे जो और हमारे जो काम चल रहे हैं, हौजरी का मेरे फादर साहब का काम है, तो ऑलरेडी मैं वो काम संभाल रहा हूँ। इसमें मुझे ये इसलिए मैं आ गया हूँ क्योंकि किसी ना किसी को तो प्रोसेस बताना पड़ेगा लोगों को आके, किसी ना किसी को तो मुहिम छेड़नी पड़ेगी ना। क्रांति की शुरुआत एक अकेला व्यक्ति ही करता है, चाहे वो देश की आजादी के लिए मंगल पांडे जी ने शुरू की थी और चाहे वो वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज चैनल ने शुरू किया, इन एजेंटों को का धंधा बंद करवाने के लिए जो लोगों के पैसे ऐड रहे हैं, ये मेहनत की कमाई है यार, किसी की हराम की कमाई नहीं है। तो पैसा आप लोग खुद देते हो, खुद आप लोग गलती करते हो, सावधानी आपकी सुरक्षा अपनी, ध्यान से सुनना आज की वीडियो पूरी एंड तक और चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं हमेशा बोलता हूँ। उसका रीजन क्या है यार, आपने आगे किसी अपने व्यक्ति को शेयर किया, किसी दोस्त को शेयर किया तो उसका भी भला हो जाए यार। जब एक व्यक्ति सही कार्य करता है तो हमें अपना नाम बनाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा बैठा है, ईश्वर बैठा है कृपा करने के लिए, सही कर्म हम लोग करेंगे अपने आप ही, आप लोग खुद हमें दुआएं दे रहे हो, जिस वजह से वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज चैनल आज पूरे इंडिया का पहला न्यूज चैनल बन गया है इमिग्रेशन का, जो टॉप का टॉप रैंकिंग में आ रहा है। और हमारी मेरी ये इच्छा है, आप लोगों की इच्छा होनी चाहिए, आप लोग कुछ मेरे दोस्त भी बोल रहे हैं कि सर हमारा ये एक इच्छा है कि पूरे वर्ल्ड का टॉप का न्यूज चैनल बनेगा दोस्तों। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब एक बार ठान ली संघर्ष करने की तो एकता में शक्ति है, एकता में हम सारे चलेंगे और कोशिश करेंगे इस पूरे धंधे को बंद करवाए लोगों के, जो ये फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। मेरी खुद की इच्छा है पूरे वर्ल्ड में टॉप पे लेके जाऊंगा इस न्यूज चैनल को, बस आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ रहे। तो आज की कंट्री है चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक के लिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर बोला हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये घंटी साइड बनी है बजा लो, आपकी किस्मत की घंटी जल जाएगी। और स्टार्ट कर रहे दोस्तों, चेक रिपब्लिक वर्ल्ड की अच्छी कंट्रीज में तो नहीं गिनी जाती कि मैं आपको बोलूं ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रही है, लेकिन यूरोप की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री में गिनी जाती है ये, और ये टक्कर दे रही है आज के टाइम पे फ्रांस को, जर्मनी को और ये पोलैंड को, इनकी इकोनॉमिक्स को टक्कर दे रही है, यानी लड़ाई नहीं कर रही दोस्तों लेकिन इकोनॉमिक्स को टक्कर दे रही है, यानी कि एक GDP ग्रोथ बहुत अच्छी कर रही है। मैं हमेशा वही न्यूज आप लोगों के लेके आता हूँ जिसकी कंट्री की पहले मैं GDP स्टडी करता हूँ कि वो जॉब वहां पे अवेलेबल है भी है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ स्टडी नहीं किया और मैं आप लोगों के सामने रख दूं। अब किसी कंट्री में फॉर एग्जांपल सऊदी अरब है, वहां पे कोई आपको बोलते जी यहाँ पे टूरिज्म बहुत है, यहाँ चले जाओ और यहाँ पे जी बीचेस बहुत है, तो वो को उसको खुद नहीं पता कि वहां पे तो यार रेगिस्तान है, वहां बीचेस कहाँ है। तो ऐसे एजेंटों से बच के रहो, सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी, खुद भी स्टडी किया करो जो मैं आपको न्यूज बताता हूँ, अगर उसमें कोई गलती होती है तो नीचे लिखो यार, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन आप नीचे मुझे बताओ कि सर ये न्यूज में अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं या ये अपडेट्स आए हैं, अगर आप बैठे हैं उस कंट्री में तो प्लीज मुझे बताओ यार, ताकि हम आप लोगों की सपोर्ट से लोगों को सही रास्ता दिखा सकें।
तो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, चेक रिपब्लिक, ये दिल हार्ट ऑफ द यूरोप, हार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप गिना जाता है, और जहां पे दिल होता है वहां पे जान बसती है, और हमेशा दिल के साथ ही व्यक्ति की जान बसती है, तो यूरोप के दिल और यूरोप की जान है। और यहाँ पे वर्ल्ड की MNC कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर बनाए यूरोप में, क्योंकि इसकी नेबर कंट्रीज की मैं बात करूँ दोस्तों, वो है पोलैंड, वो है ऑस्ट्रिया, वो है बुल्गारिया, और यहाँ पे जर्मनी की नेबर कंट्री है। इन सब कंट्रीज ने यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटर में पड़ता है, सब कंट्रीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर बनाए हैं। IT प्रोफाइल वाले यहाँ पे जरूर अप्लाई करना, क्योंकि IT प्रोफाइल वाले मेरे भाइयों को यहाँ पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। और ये तीन तरह के वर्क परमिट दोस्तों देता है। पहला मैं आपको लोगों को बता दूं, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा इस वीडियो पे, वीडियो एंड तक देखना। पहला दोस्तों, ये टूरिज्म के नाम पे बहुत बड़ा हब है, पहले मैं बता देता हूँ आपको, टूरिज्म के नाम पे हब है, तो HM वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हो। वेटर की प्रोफाइल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे शेफ की प्रोफाइल्स, किचन स्टेवर की प्रोफाइल्स, और फ्रंट ऑफिस की यहाँ पे प्रोफाइल, तो HM की जितनी भी प्रोफाइल्स आ रही हैं सब लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो। IT वाले, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले, और वेबसाइट डिजाइनिंग वाले, या फिर जो अच्छी प्रोफाइल्स में काम कर रहे हैं IT फील्ड में, जो टेक्निकल सपोर्ट में काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अच्छी कंपनीज हायर करें, पैकेज बहुत अच्छा है। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जा रही है, चेक रिपब्लिक की एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, लेकिन IT प्रोफाइल्स में, अच्छी जॉब में यहाँ इंग्लिश प्रोफाइल्स में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे प्रेफर की जाती है। तो जिन लोगों को इंग्लिश आती है या IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कोई आपको बोले कि IELTS का एग्जाम देना पड़ेगा तब आप लोग जा सकते हैं, नहीं, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर डायरेक्टली आपको वर्क परमिट देता है। स्किल्ड प्रोफाइल, नॉन स्किल्ड प्रोफाइल, अनस्किल्ड प्रोफाइल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 10वीं 12वीं डिप्लोमा वाले हैं, वो लोग भी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेबर कंस्ट्रक्शन की यहाँ बहुत अच्छी जॉब्स हैं, और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की प्रोफाइल्स जिनके पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के ये प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो काफ़ी अच्छा इसने वहाँ पे ग्रो किया। 6 लार्जेस्ट बियर एंड वाइन प्रोडक्शन ये गिना जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो आप लोगों के लिए भी अच्छी प्रोफाइल की है, जिन लोगों को वाइन प्रोडक्शन की नॉलेज है, या जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी इस प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग की प्रोफाइल में, सेल्स एंड मार्केटिंग की प्रोफाइल में। अब बात करेंगे कैसे अप्लाई करना दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर रहा हूँ, बहुत ईजी प्रोसेस है। ये वेबसाइट की जो लिस्ट है, यहाँ पे आप जाओगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपना CV, अपना बायोडाटा जिसे हम बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बना के डालना, नहीं तो कोई एम्प्लॉयर नहीं उठाएगा। डालने के बाद आपको 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर जो है वो रिप्लाई करता है, अगर आपकी प्रोफाइल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चूज की जाती है तो। अप्लाई करने के बाद एम्प्लॉयर आपके साथ इंटरव्यू के लिए एक डेट फिक्स करेगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू वाया वीडियो कॉल होगा या टेलीफोनिक कॉल होगा, ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। लेकिन इस कंट्री में एक और चीज़ है दोस्तों, अगर अनस्किल्ड प्रोफाइल में आप लोग आते हैं, लेबर कंस्ट्रक्शन में, डेयरी फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, तो आपका एम्प्लॉयर वर्क परमिट इशू करने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट देगा न्यूज़पेपर में, 30 दिन लगेंगे उसको, कि 30 दिन तक अगर एक व्यक्ति कोई ऐसा जो उसकी कंडीशन से काम करने को तैयार नहीं है या उससे नहीं मिल पाता, तो वो आपको इंडिया से बुलाएगा, तो वो आपको वर्क परमिट इशू करके वो आपको इंडिया वाया कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पूरा पढ़ लेना। और सैलरीज की मैं बात करूँ दोस्तों, अनस्किल्ड कैटेगरी में जो लोग हैं, तो मिनिमम सैलरी पैकेज यहाँ पे 60-70 हज़ार उनको भी मिल रहा है जो अनस्किल्ड कैटेगरी में, और जो स्किल्ड कैटेगरी में IT प्रोफाइल में, इनके तो सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया है। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, इट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेड और योर एक्सपीरियंस। और कैपिटल यहाँ की प्रेग है, 1990 से प्रेग ने बहुत तरक्की करी, और लोकेशन सेंट्रल ऑफ यूरोप होने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। कम से कम यहाँ पे मिनिमम जो हेडक्वार्टर्स बनाए कंपनीज ने दोस्तों, वो है, अगर मैं बात करूँ तो 400-500 कंपनीज ने यहाँ पे अभी लेटेस्ट बनाए हैं। टोटल 1,550 कंपनीज ने यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर्स बनाए सेंट्रल यूरोप में, इस कंट्री में, यहाँ की प्रेग कैपिटल में। तो IT का बहुत बड़ा हब है ये, तो IT वाले अप्लाई कर देना। और मेडिकल फील्ड में इसने बहुत बढ़िया काम किया, तो मेडिकल वाले भी यहाँ अप्लाई करते हैं। लगभग सभी प्रोफाइल यहाँ पे अप्लाई करना, कोशिश क्या करो सभी कंट्रीज में अप्लाई कर दिया करो यार, कहीं पे भी तुक्का लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। और जिन लोगों का इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पता लग रहे क्या क्या क्वेश्चन एम्प्लॉयर पूछेगा, मेरी एक वीडियो पीछे डली हुई है, वो वीडियो देख लेना, वहाँ पे मेंशन है क्या क्या क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा, उसकी तैयारी कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस वीज़ा, बट उससे पहले एक और चीज़, सेकंड जो मैं आप लोगों को बताने वाला था, पहले तो जिन लोगों ने यहाँ पे स्टडी की हुई है उन लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि 9 महीने का वीज़ा ये आपको देता है आफ्टर स्टडी,
आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है 9 महीने यहाँ स्टे करने के लिए। एक और तरीका, जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट पे गए हैं, टूरिस्ट वीजा इनके पास आ गया है, अगर आपको डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं मिल रहा, टूरिस्ट पे जाओ, यहाँ पे जाके आप इम्प्लॉयर सर्च कर लो, इम्प्लॉयर सर्च करने के बाद इम्प्लॉयर आपको अगर वर्क परमिट इशू करता है तो आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। वो आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा आपका, यानी कॉन्ट्रैक्ट पेपर, वो डॉक्यूमेंट लेके आप एम्बेसी जाओगे, एम्बेसी सबमिट करने के बाद 14 दिन में आपको वीजा मिल जाएगा। यही आज का मेरा मुद्दा था, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वर्क परमिट ऑफ द चेक रिपब्लिक, दैट इज योर वैलिड पासपोर्ट, दैट इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स, 2 blank passport pages, 2 blank pages होने चाहिए पासपोर्ट के, आपका ट्रैवल आइटनरी आपका होना चाहिए, और आपका एकोमोडेशन प्रूफ ऑफ फंड आपको दिखाना पड़ेगा इसमें, स्टे आप कहाँ पे रहेंगे, कौन सा एकोमोडेशन आपका एम्प्लॉयर देगा कि नहीं देगा, बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए। अप्लाई कर दो, और फोटो जो होंगी 2 फोटो आपकी जो होनी चाहिए व्हाइट पासपोर्ट में होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, मैट पेपर पे 80% फेस होना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। इंटरव्यू में हमेशा प्रोफेशनल रहना, जॉब आपको गारंटी से मिलेगी, मैं बैठा हूँ लेकिन आपको चलना पड़ेगा मेरे तरीके से। यही मेरा आज का मुद्दा था, यही मेरा आज का विचार था, आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, थैंक यू सो मच। एक लास्ट में मैं और चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों को अपना बिजनेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाना है तो हम लोगों से कॉन्टैक्ट करो, हमारे टाइप एक्सपोर्टर के साथ है, हम आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाएंगे, तो बिजनेस वीजा भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, बहुत अच्छी कंट्री है, अप्लाई कर दो, जल्द ही ये खुलने वाले हैं, लेकिन आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ वेबसाइट है जॉब पोर्टल, वहाँ पे जाके अप्लाई करो, और कुछ रिक्रूटिंग एजेंसीज भी हैं वो भी अप्लाई करवाती हैं, वहाँ जाके भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो आएगी चेक रिपब्लिक के स्टूडेंट वीजा पे, जो लोग स्टडी करना चाहते हैं चेक रिपब्लिक की, बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी पॉजिटिव इस कंट्री में, तो यार तैयारी खींच लो, जो लोग जाना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे ना वीज़ा गारंटी मिलेगा, वीज़ा की गारंटी नहीं मैं देता कि आपने बोला कि सर आपने तो गारंटी ली थी, वीज़ा एम्बेसी देती है, कोई एजेंट नहीं देता, ये वो लोग ये याद रखना दोस्तों। इजाज़त चाहूँगा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो, मैं उन लोगों उन एजेंट जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उनके मुंह पे एक बात कहना चाहता हूँ आज यहाँ बैठ के स्टूडियो में, और लाइव होके कहना चाहता हूँ कि दोस्तों पंजाबी में एक कहावत है कि चाहे तारीफ कर चाहे बदनाम कर, पर जो भी कर सरेआम कर, तो मैं चाहे तारीफ करता हूँ चाहे मैं बदनाम करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ सरेआम करता हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं करता, और सरेआम करने वाले व्यक्ति को किसी का डर नहीं होता, डर उसको है जिसने पैसा खाया, हमें किस चीज़ का डर दोस्तों, तो बेबाक होके बोलो, एकदम बिना डरे बोलो, निडर होके बोलो, अगर जो चीज़ है जिस एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड किया नीचे लिखो हम बैठे हैं यार, हम आपको न्याय दिलवाएंगे, हम बैठे हैं आपके साथ खड़े हैं, वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज चैनल आपके लिए न्याय की मुहिम छेड़ेगा और आपका पैसा वापस दिलवाएगा। एक और दोस्तों लास्ट में कहना चाहूँगा कि किसी का नाम मत लो, पर अपना जो दुख है वो शेयर जरूर करो, बताओ कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, मैंने इतना पैसा खराब किया है, ताकि लोगों तक सही मैसेज पहुंच सके कि पैसा मेरा बंद करो जाए, लोगों को काम करवा दे पैसा ले ले चल ठीक है कोई बात नहीं, काम करवा दिया ना तेरे पल्ले पूछा तो काम करवा और पैसा ले, हम कभी मना नहीं करेंगे आप लोगों को, सॉरी टू से इस लैंग्वेज को यूज़ किया लेकिन कहना पड़ रहा है गुस्से में इन लोगों की वजह से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अगली वीडियो की तैयारी खींचो, अगली वीडियो की और तैयारी खींचो, डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखो, अप्लाई करो, जय हिंद जय भारत।